पढ़ते थे क्या? जी मास्टर जी। अरे यार ये तो सीधा सादा काम था, कारीगर भी कर लेते, तुम कुछ और कर लेते। भाई नईम साहब को ट्राउजर देने। मास्टर जी नईम साहब से तो अभी दो चार दिन का वक्त है ना, वो पर्दे तो कल ही हमने होटल को सप्लाई करने हैं। कारीगर का क्या है, वो तो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होगा। जितनी देर में वो एक पर्दा सिएगा मैं चार निकाल दूंगा, वरना कल सप्लाई हो नहीं सकेगी। कह तो तुम ठीक रहे हो। और हाँ कल तुम कोई बात करना चाह रहे थे मुझसे, मैं जल्दी में तो बात होना सकी, क्या बात है? क्या बात है बोली मोहम्मद? मास्टर जी आपको तो मालूम है कि मैंने बड़े मास्टर साहब मरहूम की सरपरस्ती में आपको, मैंने कोयले फूके, स्त्रियां गर्म की, बटन लगाए, काज बनाए, सिलाइयां तुरपाइयां सब कुछ इसी जगह पर सीखा। आज मैं कारीगर हूं, मैं जो कुछ भी हूं इस दुकान के तुफैल हूं। होश संभाला था तो यहां आया था, जान जाएगी तो यहां से जाऊंगा। आगे कहो बोली तुम। मास्टर मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है जो मेरे मुताबिक सोचे, लेकिन आप तो कुछ नहीं सोचा। और उम्र गुजर गई, मैं अकेला इस दुनिया में आया था, क्या अकेला ही चला जाऊंगा? कोई भी नहीं होगा मेरे पीछे रोने पर। इतने मायूस क्यों हो बड़ी मोहम्मद? मायूस नहीं हूं मास्टर जी, आस लगाई है मैंने पहली दफा। मास्टर जी इस दुकान को, इस घर को मैंने अपना माई बाप समझा। मेरे सर पर भी शफकत से हाथ रख दीजिए, ताकि मेरा भी कोई घर बने।